Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I'm your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss effects of water and dietary fibers and mainly we will explain the role of water in our daily life. To understand this topic, let's move towards the whiteboard. स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइट्री फाइबर्स अगर देखा जाए तो वाटर और डाइट्री फाइबर्स जो हैं इनको हम मिनरल्स की कैटेगरी में काउंट नहीं करते बट बोथ दीज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमंस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। यानी वाटर और जो डाइट्री फाइबर्स हैं इनका ह्यूमंस की बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उसको आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी वाइटामिन सी एसिड और वाइटामिन डी की हमने इनके सोर्सेस इनकी बॉडी में इम्पोर्टेंस और साथ ही साथ हमने ये एक्सप्लेन किया था कि अगर वाइटामिन सी यानी एसिड और वाइटामिन डी की बॉडी में डेफ़िशेंसी हो तो उसकी वजह से कौन सी डिफरेंट जो अब हैं या डिसऑर्डर्स हैं वो क्रिएट होते हैं अब आज हम देखते हैं कि वाटर और डाइट्री फाइबर्स जो हैं ये ह्यूमंस की बॉडी में किस तरह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टार्ट करते हैं हम वाटर से वाटर जो है वो ह्यूमंस की बॉडी का अप्रॉक्सीमेटली 60 परसेंट जो है वो बनाते हैं यानी वाटर 60 परसेंट ह्यूमन की टोटल बॉडी का काउंट किया जाता है 60 परसेंट ये प्रेजेंट होता है इसके अलावा वाटर जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है अब स्टूडेंट्स इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन की हमारे पास क्या एग्ज़ाम्पल है फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो हैं वो रूट्स के ज़रिए वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और इस वाटर को यूटिलाइज़ करते हैं फूड बनाने के लिए फिर अब हम देखते हैं कि जो वाटर है इसके अलावा सेल के साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है अगर एक सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो उसकी कवरिंग है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं अब सेल के न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक का जो डिस्टेंस है ये सारे का सारा फ्लूड लाइक -like होता है मटेरियल। इस सारे के सारे को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म और हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें मेजरली वाटर प्रेजेंट होता है इस साइटोप्लाज्म में ही डिफरेंट ऑर्गेनालिस भी प्रेजेंट होती हैं जिसमें हमने देखा राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइट्रोक्रिया ये सारी की सारी ऑर्गेनाइलिस जो हैं इस सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं अब हम देखते हैं कि इसके अलावा वाटर जो है वो ब्लड प्लाज्मा भी बनाता है यानी हमारा जो ब्लड है ब्लड प्लाज्मा उसका 92, 92 परसेंट जो है वो वाटर पर कंसिस्ट करता है यानी इतना जो वॉल्यूम है ब्लड प्लाज्मा का उसमें क्या है वाटर है अब वाटर जो है वो रिक्वायर होता है डिफरेंट सब्सटांसिस को डिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट सब्सटांसिस को डिजोल्व करने के लिए जब डिफरेंट सब्सटांसिस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं तो उनकी जो एब्जॉर्बशन है वो क्या होती है इंक्रीज हो जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वाटर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट मिनरल्स को डिज़ोल्व करने में जैसे ही मिनरल्स जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो इंटस्टाइन के थ्रू उनकी एबजॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है अब इंटस्टाइन के थ्रू थ्रू जो है वो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हुई बाकी जो वेस्ट मटीरियल बच जाता है उसके रिमूवल में भी बॉडी से वाटर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यानी आपने फूड जो है वो इनटेक किया उसमें से जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वाइटामस थे वो इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए गए अब जो वेस्ट बच गया है उसको बॉडी से रिमूव करना है लेकिन इस वेस्ट को भी बॉडी से रिमूव करने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वाटर वाटर अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो डिफरेंट कंडीशंस क्रिएट होती हैं जिनमें से एक एग्जांपल है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वाटर है वो थर्मो रेगुलेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डू यू हैव एन आइडिया अबाउट थर्मो रेगुलेशन हम थर्मो रेगुलेशन को कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में वाटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेट पॉइंट से इंक्रीज़ कर जाता है फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर गया है उसके रिजल्ट में हमारी स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होंगे वाटर जो है वो स्किन पर आ जाएगा और बॉडी की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा अब जब उसने बॉडी की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब किया तो रिजल्ट में जो बॉडी की हीट थी वो डिक्रीज होगी यानी कम होगी और जो टेम्परेचर है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा तो इस पूरे के पूरे मेकनिज़म को हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन यानी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन आ टॉलरेबल रेंज अब अगर हम देखते हैं कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा बॉडी से रिमूव हो जाए हम देखते हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू वाटर लॉस इसमें फर्स्ट हमारे पास जो एग्ज़ैम्पल है वो है डिहाइड्रेशन अगर बॉडी से बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो रिमूव हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन यानी एक्सेसिव वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी अब इसके रिजल्ट में हमारी बॉडी में जो वाटर है उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इसके रिज़ल्ट में जो वेंस हैं वो श्रिंक कर सकती हैं और कार्डियोवेस्कुलर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्रिएट हो सकती हैं अब जो वाटर है वो एक एडल्ट को कितना रिक्वायर होता है पर डे हम देखते हैं नॉर्मली टू लीटर जो वाटर है वो पर डे रिक्वायर है एक एडल्ट इंडिविजुअल को स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसके रिसोर्सिस की यानी वाटर जो है वह ह्यूमंस किन रिसोर्स से अपटेन करते हैं नेचुरल वाटर है इसमें हमारे पास मिल्क से जूसी फ्रूट्स इसके अलावा वेजिटेबल से अब फाइनली स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की यानी जो वाटर है उसका एक्सक्रीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है यूरिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें हमारे पास है किडनी और किडनी के अंदर स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं नेफ्रॉन्स इन ने का काम होता है यूरिन फॉर्मेशन और बॉडी से यूरिनेशन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल्स डिफरेंट अनवांटेड वेस्ट जो हैं वो बॉडी से रिमूव किए जाते हैं लेकिन इनको रिमूव करने के लिए जो बेसिक की कंपोनेंट है वो है वाटर वाटर प्रेजेंट होगा तो ही यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा लेकिन अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाए तो जो यूरिनेशन है उस प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीऑब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है क्योंकि बॉडी में पहले ही कमी है तो इस सिचुएशन में जो यूरिन है वो कंसनट्रेटिड बॉडी से रिमूव होता है लेकिन अगर वाटर की जो एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट हो तो उसके रिज़ल्ट में बॉडी से ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो रिमूव किया जाता है तो इस रिजल्ट में जो यूरिन होता है वो क्या होगा डाइल्यूट होगा तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल थी विद द रेफरेंस ऑफ यूरिनेशन इसके अलावा जो फ़ीकल मटीरियल है उसको भी बॉडी से रिमूव करने के लिए वाटर का होना ज़रूरी है अगर वाटर बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो जो फीकल मटेरियल है उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की लिए कर ली जाती है तो इसके रिज़ल्ट में जो फ़ीकल मटेरियल है वो हार्ड हो जाता है कॉम्पैक्ट हो जाता है और एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन लेकिन अगर वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई है तो फीकल मटेरियल जो है उसमें से वाटर की एब्जॉर्बन मैक्सिमम नहीं होती तो उसके रिज़ल्ट में एक और कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है जिसको हम कहते हैं डायरिया लाइक कंडीशन तो यहाँ तक स्टूडेंट्स था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की वाटर के बारे में हमने कहा वाटर जो है वो जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है अर्थ पे उन सब के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है वाटर को हम मिनरल्स में इंक्लूड तो नहीं करते लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है हमने कहा वाटर जो है वो ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो जो ब्लड है उसमें ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसका 90 टू 92 टू परसेंट जो है वो वाटर पर कंसिस्ट करता है फर्दर हमने बात की कि सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसका मेजर पोर्शन जो है वो वाटर पर ही कंसिस्ट करता है इस साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर फिर डिफरेंट जो ऑर्गेनालिस हैं वो प्रेजेंट होती हैं हमने बात की जो वाटर है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है यहाँ तक तो था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने वाटर को डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़